कैसे आप लोग खैरियत से माशाल्लाह लाइटें लाइट ऑन कर लें दरमान कम से कम दरमान की लाइटें <laughs> <चले>। तो ऑन <पीणी>। करेंगे <laughs>

मैं दड़ता दड़ता आया। तो आया कि जो करके सर होना है क्या इसको तो अटेंड करना है इसमें होना कुछ नहीं जस्ट बस मतलब वैसा नहीं है ना क्या मतलब तो आपने ये पास, पास कर हाँ। नंबर लेना नहीं है है अब अब सर एप्लीकेशन करके जो दो, तो है ना उसकी कोर्स वोर्स था वो जो हो चुका है सारे एक से लेकर पांच तक ना वो सब हो अब जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करना है और थोड़ा बहुत रह गया था वो और सीख लेंगे कई बार ये बराबर से है है ना डॉक्टर से या सपोर्ट से बहुत से बहुत पे हुए के अलावा इसे अभी हम वाले कर लेते हैं जाते रहते

हो गया सर आ गया ये सारा सिस्टम मैंने आपके लिए लगाया है बिस्मिल्ला <laughs> वसलात يفقهوا रबिश राहली सदरी वसरलीफल वरम आप सब लोगों को खुश आज की इस क्लास में और थोड़ा से तखिर से स्टार्ट करने के लिए माजरत वो असल मुझे पता नहीं था कि सर आ रहे हैं आज क्लास में तो सर को कनेक्शन चाहिए होता है तो वो फिर मैंने अभी बैठ करके सेट करके दिया हुआ है तो वेलकम सर अलमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है कि हमने क्यू सी वन से शुरू किया और क्यू सी फाइव तक कंप्लीट कर लिया और अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि क्यू सी सिक्स में हम उसको जो भी नॉलेज थी अप्लाई करेंगे और मकसद हमारा वही है कि कुरान कुरान को समझने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा क्लियर होना चाहिए आज हम उस पर भी बात करेंगे कि हम क्यों सीख रहे हैं ये कहाँ पहुंच चुके हैं अभी तक और कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम रास्ता मंजिल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन चीजों के ऊपर ही बात करेंगे इन तो आज का जो सेशन है जिस तरह मैंने ग्रुप में मैसेज भी दिया था कि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इस कोर्स का और इस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीखेंगे और फिर आगे किस तरह इसको अपनी जिंदगी में हमने लेके आना है और जो मकसद है सारी एक्सरसाइज का वो क्लियर हो जाए हमारा और कोर्स का मटेरियल वगैरह इन चीजों के बारे में बात हो जाएगी अगली जमेरात से इनशाला लेसन हम शुरू करेंगे और जिस तरह आपको पता है कि इस कोर्स के अंदर हमने इनशाला सूरतुल बकरा मुकम्मल कर लेनी है यानी दूसरा पारा पूरा होगा और किसी फाइव तक हमने पहला पारा पूरा कर लिया था ना सर तो अब दूसरा पारा होगा और तीसरे पारे में सूरतुल बकरा के अख्ताम तक कोर्स में प्लान तो यही है देखेंगे अगर मुमकिन हुआ तो हो सकता है तीसरा पारा हम पूरा कर लें वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर क्लास के स्पीड से चल रही है तो आइए आज का शेड्यूल जो है वो हम बात कर लें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुरान फहमी के उसूल की के उसूल क्या है कुरान फहमी के उसके बाद फिर क्यूसी वन से फाइव तक क्या पढ़ा है क्विक सी समरी एक स्लाइड के अंदर आ जाएगी या दो स्लाइड के अंदर और आगे फिर अब पढ़ना क्या है हमें क्यू सी सिक्स का तारफ हो जाएगा और पढ़ाने की तफसील हो जाएगी तो सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए किसी वन के पहले लेसन से ही हम बात कर रहे हैं कि कुरान के हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं तो वो हर लेसन में हम बात करते रहेंगे कि छः हकूक हैं। इसमें कोई एक आध में वमा ने अपनी अपनी डेफिनेशन के मुताबिक किया है तो हो सकता है किसी स्लाइड में कोई एक आध चीज आपको आगे पीछे नजर आ रही हो कुछ लोग सबसे पहले ईमान लाना उसके हकूक में रख लेते हैं वो एक और डेफिनेशन है कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ये हकूक तो है ही जब जब, जब आप ईमान ले आते हैं उसके ऊपर ईमान <laughs> लाना तो प्रिय है उसके बाद ये हकूक आए जो ईमान ही ला रहा है वो पढ़ता रहे गौर करता रहे क्या करेगा तो इसलिए अः हम इन छः की बात करेंगे अभी अः अगली स्लाइडों में इन कि कुरान के जो हमारे ऊपर हकूक हैं उनका पहले तो बयान उसका कर लेंगे कि क्या हुकूक हैं और फिर किस तरह से हमने अदा करने हैं क्योंकि अलहमद इस क्लास में वो लोग हैं जो कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं शुरू से इसी मकसद के हसूल के लिए हम बढ़ हैं आगे तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लें कोर्स के दौरान जो खास तवज्जो हमने रखनी है जिन चीज़ों के ऊपर वो है लघवी तश्री जब हम आयात को देखेंगे तो साथ में लफजी तर्जुमा भी होगा जो कि उस में भी हम करते रहे काम फिर आयात का तर्जुमा भी हम पढ़ेंगे और उसका मफहूम भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाजों का सिर्फ तर्जुमे से वो मफहूम अदा नहीं होता है आयात को बार बार सुनने का ये कि एक दफा हम शुरू में सुनेंगे उसके बाद जब ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे ये बातें कर लेंगे तो फिर एंड पे वो सफ़ा एक दफ़ा फिर हम सुनेंगे कि हाँ भाई अब उन आयात को जो पहली दफा हम सुन रहे थे उस वक्त तो सिर्फ आपने अल्फाज देख लिए थे और माना देख लिए थे फेल कौन सा आ गया एसम कौन सा आ गया वगैरह वगैरह मगर जो आयत का फहम था वो जब हम ये सारी बातें कर लेंगे ना उसके बाद ही क्लियर होगा तो आखिर में फिर एक दफ़ा सुना करेंगे फिर समझने की कोशिश किस लिए कर रहे हैं हम उसको अमली जिंदगी में लाने के लिए अच्छा ये मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान इंसान को तब्दील कर देता है ये हम पहली आ, क्लास से बात कर रहे हैं कि उसी वन से कि कुरान का मुआवजा ही यही है कि इंसान को तब्दील कर देता है और इसका मौजू इंसान है इंसान के लिए है तो आ, ये हमारा जो आ, क्या कहते हैं कोई मसला नहीं लाइट चली गई है मगर मेरा ख्याल है ये अभी एक ए फिर भी थोड़ी देर चलेगा आ, उसके ऊपर सोलर के ऊपर इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ कोई मसला नहीं ये ऑन हो जाएगी तो जब तक ये ऑन होता है मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ जो बात मैं आ, कर रहा था वो ये थी कि खुद यहाँ इस कोर्स में भी हमने देखा है और दूसरी जगहों में भी हम कुरान पढ़ते रहें तो ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है कि वो लोग जो कुरान की क्लास में या अरबी क्लास में पहली दफ़ा आते हैं शुरू के कोर्सेज में वो एक डिफरेंट पर्सनलिटी लगती है हमें और जब छः महीने साल दो साल कुछ गुजर जाते हैं कुरान के साथ जुड़े जुड़े तो उनकी शख्सियत में वाज तब्दीली नजर आती है बहुत सारे लोग शुरू शुरू में आप देखेंगे उनको आ, उनका एटीट्यूड भी आपको जो है वो कुछ हम्बलनेस बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी कुछ में आपको एरोगेंस नजर आ रही होगी अल्लाह ताला इसको हिदायत देना चाहता है वो ले आता है उसको कुरान की तरफ तो जहां ज़ाहरी कुछ तब्दीलियां भी आपको नजर आएंगी कुछ लोगों के अः ड्रेसिंग और उनकी जो अपियरेंस है वो जिस तरह थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आएगी उसी तरह आप उनके जो अखलाक हैं वो और अतवार ये चीज़ें भी बदलती हुई देखेंगे आपने भी देखी होंगी और मेरा भी अपना मुशाह ये है यही कि कुरान असर करता है इंसान के ऊपर जो लोग कुरान पढ़ते रहते हैं समझते रहते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियां आती हैं बहुत तब्दीलियां आती हैं तो अलहमदिल्ला हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि असल जो हमारा मकसद है कि हम कुरान करीम को समझ के अमली जिंदगी में ले करके आए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे आयात को तो अपने आप से ये सवाल करेंगे कि भाई ये आयात मुझसे क्या चाहती हैं जाहिर सी बात है हम पढ़ते आए हैं शुरू से है कि उसी वन से कि भाई हर आयत में हमारे लिए कुछ ना कुछ पैगाम है कोई मैसेज है कोई नसीहत है तो हर आयत पे हम इस तरह से गौर करें कि भाई ये मुझसे क्या चाहती हैं उसके बाद वही तरीका कि जब पता चल जाए कि आयत हमसे क्या चाह रही हैं तो फिर दुआ एहत प्लान और फिर उसी की तबलीग जज्बात और एहसास के साथ क्योंकि कुरान की आयत में जहाँ पर तस्कीर है वहाँ पे उससे नसीहत हासिल करने के लिए भी वो जज्बात होंगे तो आएगा फिर जहाँ पे खुश हैं जहाँ पे डराने वाली बातें उनके लिए जज्बात और एहसास बहुत ज़रूरी होते हैं उससे ही फिर असर आता है जिस तरह हमने बात की है कि जो लोग तिलावत सुन रहे होते हैं उनको समझ में आ रही होती है तो जहाँ पे खुशी की बात होती है वो खुश हो रहे होते हैं जहाँ पे डर की बात होती है खौफ की वहाँ पे रोना आ रहा होता है उनको तो ये चीज़ें जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जज्बात और एहसास के साथ ही काम करें प्रॉब्लम है प्रोजेक्टर को दोबारा उनको कहें ऑन कर लें एसी तो अभी वापडा की लाइट आ गई है तो अब ऑन हो जाना चाहिए ठीक है उनको बता दें हर क्लास में एक एक एसी असल में वो हमने वापडा पे रखा हुआ है ना तो इस वजह से प्रॉब्लम करती है तो आ, हम बात कर रहे थे कि जज्बात और अहसास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ ही कुरान को सुना जाए और उसकी तिलावत की जाए फिर इन आयात से हमें क्या सबक मिलता है वो भी हमने देखना है कि हर आयत को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे चाहे बनी इसराइल क़ा हो या क़्यामत में आखरत के अहवाल हो वहाँ पे जन्नत का हाल हो दोज़ का हाल हो पुरानी जो उम्मतें गुजर गई हैं उनकी बात हो मश्रिक मक्का की बात हो रही है तो उन सब में हमारे लिए कुछ ना कुछ सबक होगा अल्लाह ताला ने बेकार तो नहीं ये आयतें दे दिए हमें तो वो समझने की ज़रूरत है कोशिश करके फिर नमाज में जब हम पढ़ते हैं और दौरान तिलावत जो है उसका असर वो जो मैंने बात की कि आपने देखा भी होगा कि जब हरम वग़ैरह से डायरेक्ट कभी टीवी के ऊपर आ रही होती है तरावी वग़ैरह तो जिन लोगों को समझ में आ रही होती है उनके तो जुब्बे गीले हो रहे होते हैं दाढ़ियाँ और हिचकियाँ बंधी हुई होती है इमाम साहब की भी और जिनको नहीं समझ में आ रही होती है वो मतलब कुछ और सोच रहे होंगे जाहिर सी बात है। तो ये असल जरूरी है कि जब हम ये समझते हैं कि कुरान का सही असर हमारे ऊपर जब होता है कि जब हम तिलावत करें और वाकई हमारे और तो तन्हाई में कर रहे हो सबसे बड़ी बात ये है कि तन्हाई में हम तिलावत कर रहे हो कुरान की और उस वक्त जो है वो हिचकियाँ बंधे वो असर है कुरान का हमारे पर जो तमाम आप आदीस वगैरह पढ़े साहबा जब कुरान करीम पढ़ते थे तो ये असर होता था उनके ऊपर ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक कि हम जज्बात और अहसास के साथ समझ करके उसको नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक ये वाला असर जो है ना ये और फिर जाहिर सी बात है वही प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी तब्दीली आती है ये हो नहीं सकता कि आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन हो रही है और नमाज से बाहर आकर के वही झूठ बेमानी धोखा और सबसे ज्यादा जो आजकल मुझे नज़र आता है बदकलामी शुरू कर दें हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी बहुत फैलती चली जा रही है मुगल का इस्तेमाल अब तो सोशल मीडिया पर इतना नज़र आता है कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे उसका आ, मतलब सिंपल जुमला जो है वो भी कोई फहश अल्फाज के बग़ैर लोग नहीं लिखते हैं तो ये चीज है कि हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है और इस कल्चर को फिर प्रमोट करने की जरूरत है कि कुरान हमें कैसा इंसान चाहता है कैसी सोसाइटी चाहता ये जो कोर्स के मज़ामीन होंगे क्योंकि हमने बता दिया कि इस कोर्स में तो हमने सिर्फ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 से आगे 286 तक पढ़ना है तो उसके अंदर जो मजामी आ रहे हैं उसमें इस तरह से है कि मश्रकिन के कुछ झूठे इतराज़ात और बातिल ख्याल हैं उनका रद है उसके बाद अल्लाह तला का जो तर्ज अमल है अपनी मखलूक के साथ उसका कुछ बयान होगा क़्यामत के दिन उसकी अलामत और उसके मुकदमत फिर मौत कबर हिसाब वताब और, और हशर से डराने वाली आयात इस सूर्य में शामिल हैं उसके बाद अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की निशानियाँ और उसकी मखलूकत में जो निशानियाँ हैं वो फिर उसकी मखलूक की अज़मत और अपने बंदों पर उसका एहसान और फजल फिर सबसे बढ़ के नबी सम के औसाफ और अखलाक क्यों इसलिए कि हमने पढ़ा हुआ है आदीस में आता है कि नबी वसम का जो इखलाक था वो क्या था क़ुरान ठीक है ना कुरान जैसा इंसान चाहता है नबीसम इसलिए हम कहते हैं कि वो उनको हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए फिर मोमिन की सिफात की बात आएगी और फिर उनका जो अल्लाह अज़र रखा हुआ है क़्यामत में और आखरत की जिंदगी में जन्नत और उसकी औसाफ की भी बात होगी उसके बाद कुछ अहकाम की आयात हैं ये तो हमने देखा होगा कुरान करीम में बहुत कम आयात हैं अहकाम की जो लमह बताते हैं कोई सौ भी आयात नहीं है मुश्किल से सौ आयात होंगी जो पूरी छः हज़ार में से लेकर के जिनमें आ काम तो बाकी तो जो तस्कीर और नसीहत वग़ैरह ये चीज़ें फिर अम्बिया और रसूलों के जो वाकयात हैं उनकी सूरत मोजात पहली उम्मतों के भी कुछ वाकयात आ जाते हैं सूरह बीच में बहुत ज़्यादा तो नहीं है फिर कुर करीम और उसका मकाम इसकी भी बात होगी इस कोर्स में फिर इंसान की सिफात और उसका इनकार वकब्बर ये भी इस कोर्स के मजामी में शामिल हैं क़्यामत और मौत के बाद की जिंदगी का इनकार जो ने मक्का करते थे वो भी एड्रेस हुआ हुआ है इसमें जहनम और उसके औसाफ़ मुशीन और काफिरों के लिए उसका अजाब पूरे पेज की तिलावत दोबारा ये वो वाली बात है जो हमने कहा कि पूरा पेज एक दफ़ा हम पढ़ लेंगे समझ के तो फिर एंड पे एक दफ़ा फिर उसको उसकी तिलावत को सुनेंगे अब हम आते हैं कुरान फहमी के उसूल की तरफ क्योंकि इसके ऊपर ने बहुत सारा काम किया हुआ है आपके कोर्स में भी एक छोटी सी किताब शामिल है ये मौलाना गफ़ार हसन साहब की है जो गफ़ार हसन साहब इनके साहेबजादे जो हैं Uh, सुहेल हसन साहब एक दफ़ा मैंने बुलाया भी था यहाँ पे शायद आप लोगों को याद होगा uh, डॉक्टर सुहेल हसन जो दावा एकेडमी के भी हेड रहे हैं और अरबिक डिपार्टमेंट वगैरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़े आलम थे ये नहीं नहीं सर यंग से नहीं वो uh, काफी एजेड हैं अभी तो रिटायर भी हो गए हैं मतलब दावा अकेडमी को हेड कर रहे हैं हाँ uh, डॉक्टर सुहेल हसन uh, मैं दिखा दूंगा आपको भी इनकी तस्वीर हमारी उसमें इंट्रोडक्शन वाली स्लाइडों में भी आती है उनकी तस्वीर तो ये बड़ी अच्छी किताब है इसलिए कोर्स में डालिए बहुत छोटी सी पतली सी किताब है मगर इसको बहुत अच्छा जामे तरीके से जो है ना इसका आ, किया है अनफॉर्चुनेटली आजकल प्रिंट होके मिल नहीं रही है जिन लोगों ने ये प्रिंट कराया था उनसे हमने रबता किया है वो थोड़ा थोड़ा प्रिंट कराते हैं तो हो सकता है इस कोर्स के लिए आप लोगों के लिए सबके लिए ना मिले तो हम कोई सॉफ्ट कॉपी या फोटो करेंगे ऑर्डर तो मैंने कर दिया है हो सकता है अभी जाए बात करेंगे अभी जब जब उस पर आएंगे कोर्स मटेरियल पे जब आएंगे तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं जो इसके मजामी हैं जो एक अभी बुलेट फॉर्म में आपने देखा था अगर उसको हम देखें जब अल्लाह ताला की बात होती है तो उसमें फिर अल्लाह ताला की कुदरत अल्लाह ताला की निशानियाँ फिर अल्लाह ताली के जो असमाउल हसन है जो सिफाती नाम है अल्लाह ताली के उनके बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तोहहीद है तो ये मजामीन हैं जो कुरान करीम में इन इस कोर्स के दौरान आएंगे हम फिर उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि आपको पता ही है कि इंसान के लिए कुरान किसके लिए नाजिल किया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए, लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए नसीहत है इंसान के लिए इसमें तो उसमें फिर जिक्र आएगा अब्या का अहकाम का और आमाल का इंसानों में हम बात करेंगे जब यहाँ पर कुरान नेक इंसानों की बात करता है तो फिर मोमिन की सिफात बताई जाती हैं सिद्दीकीन शुदा सॉलहीन वगैरह और जब बुरे इंसानों की बात होती है तो उसमें मुशरकिन काफीन मुनाफिक और फासिकीन की बात होती है तो ये हमें पहचान कराती है कि भाई हम इंसानों की किस कैटेगरी में हमने शामिल होना है और किस कैटेगरी से बचना है हमने फिर अमाल की जब बात होती है तो अमाल का बदला क्या होगा या तो जन्नत होगी या जानना होगी उसके बारे में भी फिर ये सारी बातें होती हैं कि इस दुनिया में हम जो भी अमल कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें फिर जज किया जाएगा और आखरत में जो हमेशा हमेशा का ठिकाना है असली ठिकाना है हमारा वो उसके मुताबिक होगा कि इस एग्जामिनेशन हॉल में जो दुनिया में थोड़ा से बहुत टाइम के लिए भेजा गया उसमें क्या परफॉर्म किया हमने फिर फरिश्तों की बात आती है तो फरिश्तों में भी अल्लाह ताला के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं दुआएं करने वाले तस्बी करने वाले इबादत करने वाले मुख्तलिफ अहकाम बजा लाने वाले उन सब की बात होती है अच्छा फिर ये जो इंसान के साथ हम बात करते हैं फरिश्ते और जिन जो जू अक्ल जिनको हम कहते हैं कि अरबी में एक आक़िल और गैरअक़िल की डेफिनेशन भी शायद हमने पढ़ी हुई है तो अकल वाले जो हैं वो कौन होते हैं इंसान फरिश्ते जिन तो फरिश्ते जो हैं आ, ये तो एक अल्लाह ताला की वो मखलूक है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए बनाया है वही कर रहे हैं वो उनको चॉइस नहीं दी गई है चॉइस जिनको दी गई थी जिन और फिर इंसान तो जिनों में फिर दो तरीके के हो गए एक शयातीन जिन हो गए और एक आम मखलूक जो थी जिनों की वो इंसान हमने देख लिया कि अब हर तरह के इंसान हमें मिलेंगे कुछ जो है वो शैदीन के पीछे चल रहे हैं और कुछ जो है वो अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं और एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की तो ये सारे मज़ामीन जो है ये इसके अंदर आएंगे इन कुरान फहमी के लिए जो ये आप समझ लें इसके एलिमेंट्स हैं हमारा जो मकसद कुरान को समझना और अपनी ज़िंदगी में लेके आना है तो उसके जो छह इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं वन बाय वन अजाए कुरान इसलूब कुरान मकासिद कुरान मजामीन कुरान कुरान फहमी ये बल्कि पहले फहमुल कुरान के लवाजिम और मुख्तसर जराए इनकी हम बात करेंगे और फिर कुरान फहमी की राह में रुकावटें कैसे आती हैं और क्या क्या रुकावटें आती है जिनका हमने तदारुक करना है और उनको आइडेंटिफाई भी करना है असल बात ये तो ये एक एक करके अब हम इनको देख लेते हैं कि ये जो छह एलिमेंट है कुरान फहमी के क्या है सबसे पहला अज़ाय कुरान कुरान करीम की आयात नजूल के अतबार से दो तरह की है पहली हमने कहा मक्की आयात और दूसरी हमने कहा मदनी आयात तो मक्की आयात वो है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई मदनी आयात वो है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई चाहे हिजरत के बाद मक्का में क्याम के दौरान भी नाजिल हुई हैं तो उनको हम मदनी दौर क्योंकि वो मदनी था तो इसलिए वो उनको मदनी कहा जाता है उनको मक्की आयात नहीं कहा जाता इस तरह डेफिनेशन होती है फिर जो मक्की आयात हैं जो छोटी छोटी सूरतें हैं ज्यादातर आखिर की या दरमियान में भी जो आयात आती हैं उनका जो टॉपिक है ज्यादातर वो किस चीज़ को एड्रेस करता है तोहिद सबसे बड़ी क्योंकि शिरक उनके यहाँ था फिर नबूत रिसालत क्योंकि उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था बहुत अरसे कोई नबील नहीं आया हुआ था फिर कुरान की बात होती है उसमें कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे क्योंकि क़्रैश में तो कभी कोई इस तरह से इलामी किताब आई भी नहीं थी तो फिर एक और सबसे बड़ा जो उनकी मिसकनसेप्शन था कि मरने के बाद जिंदा होंगे या भी या नहीं होंगे और कोई हिसाब किताब जजा का दिन होगा या नहीं होगा भाई जब आजकल भी हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इस फिक्र वाले मौजूद हैं ठीक है <laughs> तो उस जमाने में तो सारे ही थे वो टॉपिक्स जो हैं इससे रिलेटेड मरने के बाद जिंदा होने वाले और हिसाब किताब वाले वो ज्यादातर आपको मक्की दौर की जो आयात है उनमें मिलेगा क्योंकि मदनी दौर में क्योंकि यहाँ पे यहूद नसारा वगैरह से ज्यादा उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि हाँ भाई हिसाब किताब का दिन होगा उनके लिए जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्या कोई और नबी आ सकता है बनी इसराइल के अलावा जैसे या ईसाइयों के क्या ईसा इस्लाम के बाद भी कोई और नबी आ सकता है ये बात और दी क्या ये कुरान जो है क्या अल्लाह का कलाम है इस तरह की बातें तो यहाँ पर भी जो मदनी मजामी है अक़ायद ज़्यादा तफसील के साथ है मगर यहाँ पे अमली मसाइल भी और इस्लामी माशरत के अहकाम ख़ास तौर पर आप देखें इसमें भी पढ़ते हुए आएगा तलाक़ के मसाइल आ जाएंगे इसके अंदर काफ़ी डिटेल में टॉपिक है आ, हज के अहकाम आ जाएंगे इस पे रोज़े के बारे में इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एक इस्लामिक सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं वो फिर डिस्कस होंगी इन अंदर आ, मदनी मजामी में क्योंकि बकरा मदनी सूर है तो इसमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आएंगी फिर दूसरा जो एलिमेंट है इसका कुरान फहमी का वो है मकासद क़ुरान का हसूल तो मकासद कुरान का जो उस है वो कैसे होता है कि जो इन कामों को करने से सबसे पहली चीज तो ये है कि इतमान से ठहर ठहर कर तिलावत की जाए जिस तरह वो तजवीजी क्लास में हम बात करते हैं वरतन तरतीला आप पढ़ें कुरान को तरतील के साथ और वहां पे हमने बात भी की थी तरतील की डेफिनेशन क्या कहा था हमने तरतील क्या है जी फॉलो करना मगर जो तरतील का मतलब हुक्म कुरान तिलावत से रिलेटेड जो है वो ये आप लोग वो कर रहे हैं ना जी जी ठहर 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 कर पढ़ना और क्या था उसमें इस तरह से के उसके मानी जो है उस वो समझ जाए और उस पर गौर करना ये इंपॉर्टेंट चीज है तरतील में इतनी रवानी से नहीं पढ़ना है कि माने पे गौर ही नहीं किया जा सकता है तो समझकर गौर फिक्र के साथ पढ़ना किसके लिए है? अमल करने के लिए और फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इखलास कि ये जो काम है ये खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाए हमने किसी वन में भी बात की है और और जगहों में भी आदीस में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के अमाल को जाय कर देना है जो किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं अपने नाम के लिए कर रहे हैं दुनियावी फायदों के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हम हमेशा जो कुरान के कोर्सेज भी जो लोग पढ़ने के बाद पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि नियत यही रखें कि अपने अल्लाह की रजा के लिए काम करना है और दुनिया में उसका कोई बदला मत लें इन शाह आखरत में बहुत अच्छा बदला मिल जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके मकासद के असूल में फिर एक और एलिमेंट जो है वो क्या है कुरान का उसलूब क्या है कि इंसानों की किताबों की तरह नहीं है बल्कि इसमें जैसे होता है कि आमतौर पर हमारी किताब होती है कि चैप्टर उसमें फिर वो टाइम और फिर, फिर ये सब्जेक्ट वाइज अगर होगा कि ये प्रॉफिट्स की जो है वो आ, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो आए हैं अगर हिस्ट्री की बुक होगी तो वो उस तरीके से आ जाएगी टीचिंग्स के बारे में होगी तो वो कुछ और बात हो जाएगी इस तरह से कुरान करीम का उसलूब ये नहीं है कुरान करीम का उसलूब ये है कि जहाँ जहाँ पे जो आ, बात की जिसकी जरूरत हो वो थोड़ी सी बता करके और फिर आगे गुजर जाया जाए जैसे अगर कभी पुरानी कौमों की बात आ रही है तो ये नहीं कि उनकी पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो कौन लोग थे कहाँ से आए थे और क्या हुआ था और कब किस जमाने में रहे कब तक रहे कैसे उनका राइज हुआ कैसे डाउनफॉल हुआ ये नहीं है कुरान करीम में जिक्र आ जाएगा आद का कहीं पे जिक्र आ गया समूद का जिक्र आ गया कहीं पे बस थोड़ा सा सिर्फ वो बताने के लिए कि भाई उन्होंने क्या किया था अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया मूसा इस्लाम का खास तौर से बहुत ज्यादा जिक्र है सबसे तकरार के साथ जिक्र आता है बनी इसराइल का क्योंकि यहूदी आज भी है उस जमाने में भी थे और जो सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों ने किया था वो यहूदियों को किया था क्योंकि उससे पहले वो चोजन पीपल अपने आप को समझते थे और क्लेम कर रहे थे अब जब उनको उस मनसब से उतारा गया और एक और नबी और एक और कौम को बैठा गया सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को हुई थी ये सबको पता है मतलब ईसाइयों को इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी यहूदियों को थी तो कुरान पाक में मजामीन जो है वो रिपीट होते हैं बाजा अवकात आपको अल्फाज भी थोड़े से बदले हुए अल्फाज के साथ वही बात मिलेगी तो वो मकसद ये होता है उस चीज़ को समझाना जहां पे वो जिक्र आ रहा है उसका फिर कुरान करीम के जो मजामीन हैं ये एक और इसका एलिमेंट है कि उसको भी उस तरीके से समझना जैसे शाह वली बर सगैीर पाको इनके बहुत बड़े आलिम गुजरे बल्कि शायद आप लोगों को पता ही होगा कुरान करीम का सबसे पहला तर्जुमा जो यहाँ पे किया गया था उस ज़माने फारसी जबान में उन्होंने ही किया था फिर उनके बेटे शाह अब्दुल्किर ने पहला उर्दू में तर्जुमा किया सबसे बड़ी बात जो शाह वली रह की थी कि वो उस ज़माने में जब यहाँ पे हदीस की किताबें नहीं होती थी इंडिया पाकिस्तान इस पूरे इलाके में वो ट्रैवल करके गए हिजहाज़ वहाँ पे जाकर उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया और हदीस की किताब अपने साथ ले आए आज भी किसी मदरसे में आपका जाने के तफाक होगा ना पुराने मदरसे जो है हमारे देवबंद वगैरह के ख़ास के उनके पास आपको इस साइज़ में सही बुखारी मिलेगी और जो हाथ से लिखी हुई नहीं होती उसको वो प्रिंट करके उन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है पुरानी किताबें जो मिलेंगी मैंने देखी हैं कुछ तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान में उससे पहले सही बुखारी सही मुस्लिम होती ही नहीं थी जिससे अब अंदा लगा दें तो उन्होंने हदीसी किताबें लेके आए हदीस का इल्म यहाँ फैलाया तो बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है तो इनकी जो मतलब इन्होंने कुरान करीम के मजामी को जिन पाँच उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम देख लेते हैं बारी बारी देख लेंगे इसको भी सबसे पहले तस्कीर भी आयात अल्ला यानी कि अल्लाह ताला ने जो आयात कुरान में नाजिल किए उनसे नसीहत हासिल करनी और वो क्या टॉपिक्स होंगे तोहिद के बारे में रिसालत के बारे में क्यामत के बारे में फिर दूसरी है तस्कीर भी आला इल्ला। ये आला कौन सा वाला है हाँ नेमतों का बयान ठीक है ना तो अल्लाह ताला ने कुरान ने बार बार अपनी नियमतों का जिक्र किया है तो अल्लाह की नेमतों से नसीहत हासिल करना कि बार बार अल्लाह जिक्र करते हैं हमने तुम्हारे लिए ये किया है ये किया है ये दिया है ये दिया है तो इससे भी हमने नसीहत हासिल करनी उसके बाद फिर तस्कर बेनाम्ला यानी कि जो सॉरी हाँ भी एयाम भी अयाम्लायाम जो वक्त गुजर गया और जो वक्त है अभी और जो वक्त आने वाला है तो तारीख से इबरत व नसीहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कि हिस्ट्री में जो जो चीजें गुजर चुकी हैं उनका जहां पे कुरान जिक्र कर रहा है उससे हम नसीहत हासिल करें फिर तस्कीर तस्कर बेअवा मौत मौत के हालात हशर व नशर की तफसीलात, जन्नत व दोज ये सारी चीजें उसके बाद है तस्कीर भी तो अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं वो भी कुरान में बहुत वाजे करके जो बताए गए हैं उनसे भी हमने नसीहत हासिल करनी ख़ास तौर से जिस तरह की आयात आती हैं कि अल्लाह ताला का ये चीज़ें हराम कर दी हैं सिर्फ खाने पीने की नहीं दूसरी चीज़ें भी जो जो आता है ना कि ये काम जो है ये तुम्हारे लिए हराम है ये काम तुम्हारे लिए हलाल है कुरान करिए बहुत आयात आती है इसकी तो हलाल और हराम की तमीज़ करना मेरा ख्याल ये टाइपिंग मिस्टेक है तमीज़ लिखा हुआ है उसकी हाँ तमीज़ करना कि भाई आ, उसको डिफ्रेंशिएट करना आपस में फ़र्क उसका देखना कि कौन सा काम हमारे लिए हलाल है कौन सा काम हमारे लिए हराम है और हलाल है ये समझना और जाहिर सी बात है उसका मकसद यही है कि फिर उस अमल भी करना उसके बाद है अहकाम जो इबादत हैं माशरत मीशत सियासत बैन अमी तल्ल ये सारी चीज़ें उस तरह से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तो कुरान में नहीं है मगर कुरान की आयात में एम्बेडेड हैं ये चीज़ें क्यों इसलिए कि आप देखें कुरान का मकसद ही यही था कि एक अच्छी सोसाइटी तश्कील देना दुनिया में आज भी आप देख रहे हैं जो भी मज़हब है उसका असल मकसद बाद में लोगों ने उसको चेंज कर दिया तो एक अलग बात है उसके अहकाम को निकाल के देख लें उसका जो बुनियादी मकसद था ना वो यही था कि एक अच्छी सोसाइटी अच्छा माशरा जहाँ पे लोगों के लिए इंसाफ हो लोग आराम से रह सकें डर और खौफ के बगैर अमन के साथ रह सकें अच्छी सहूलत के साथ कम्युनिटी के लिए जहाँ पे काम किया जाए वो सारी चीजें हो गया है, एसी ऑन हो गया है नहीं और प्रोजेक्टर कौन हाँ लिफ्ट वाले साहब काम कराएं कोई मसला नहीं उनको कहें काम करें ठीक है ना बस आ, आ, क्लास में भाजी को बता दो कि कोई लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करेगा अभी रिपेयर हो रही है वो क्लास में बता दें बाजी को बता दो और आप लोगों ने जो सुनी लिया तो गलती से वो लिफ्ट में ना जाए तो ये इस तरीके से नहीं है मगर जो ताल्लुक मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ किस तरह होने चाहिए वो सारी चीजें मुख्तफ आयात में आती हैं पुराने करीम के अंदर तो अब ये जो मैंने कहा था इन पाचों को हम बारी बारी देखेंगे सबसे पहले तस्कीर ब अल्लाह की हम बात कर लें कि अल्लाह ताला की आयत से नसीहत हासिल करना यानी इस्लाम के बुनियादी अफकार अक़ायद का दलाइल से इस्बात और यहूद नसारा मुशकिन और मुनाफिक के शकूक व शुभ का इजाला करना इसवान के तहत वो तमाम आयात आ जाती हैं जिनमें तोहद रिसालत और क़यामत का इस्बात किया गया यानी कि ये चीजें साबित करती हैं दलाइल के से साबित होती हैं कि हाँ ये चीजें सारी हक हाँ हैं मिसाल जैसे एक में ये आयत आएगी अभी पढ़नी हमने वाहिद। ला इलाह और तुम्हारा इलाह जो है वो क्या है एक ही इलाह है और उसके अलावा कोई इलाह नहीं है और वो कौन है और रहमान और रहीम फिर उसके बाद दूसरी जो चीज थी वो है तस्कीर भी आला अल्ला यानी कि अल्लाह ताला के जो इनामात हैं उनसे नसीहत हासिल करना इस इसवान के तहत वो तमाम आयात आ जाती हैं इनमें अल्लाह ताला की नेमतों का बयान है और उसकी सिफात का तस्करा है, है। मिसाल

फिर आसमान से नाजिल किया पानी फिर उससे निकाला क्या चीजें हाँ खेतियाँ जो समारात में सारी चीजें आती अनाज वगैरह भी आ जाते हैं जो तुम्हारे लिए रिज है सारा और फिर क्या किया तुम्हारे ताबे कर दी फुल कश्ती ताकि आप दरिया में मतलब उस जो अल्लाह के हुक्म से चलती रहें वो और फिर क्या चीज़ हमारे ताबे कर दी नहरों को भी हमारे ताबे कर दिया अपनी मर्जी से हम उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं कि कहाँ पे पानी चाहिए और किस जगह ज़मीन को शराब करना है तो ये सारी चीज़ें जो है नेमत है अल्लाह ताला की कि बारिश बरसाना उससे खेतियाँ उगाना साफ़ हवा मिलना हमें सांस के लिए साफ पानी मिलना फिर मवेशी हमारे लिए अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ को हमारे लिए मुशर किया हुआ है हम आज हवा में उड़ भी रहे हैं समुंदर में भी जा रहे हैं जमीन पर भी इस्पेस में भी अब जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें अल्लाह की नियमतों में आती हैं जिनसे हम नसीहत हासिल करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये कुछ किया है तो हम अल्लाह तला के शिक्र बंदे बने फिर है तस्कर भी अयामिल्ला यानी तारीख से इबरत व नसीहत इस उनवान के

हद से ना बढ़ो फसाद बद फैलाओ जमीन के अंदर बस उन्होंने क्या किया झुटला दिया उनको तो फिर उनको पकड़ लिया किस चीज ने जलजले ने और फिर उन पर सुबह इस तरह हुई कि वो अपने घरों में औंधे पड़े हुए थे ठीक है ना फिर एक और चीज जो है वो क्या है तस्कर मौत के जो अहवाल हैं उसके बारे में तो वो भी बहुत सारी आयतें कुरान में आती हैं जैसे यहाँ पर सुर न की एक आयत मिसाल के तौर पर उन्होंने दी है कि जिसमें क्या जिक्र है और उन लोगों की तोबा कबूल नहीं है जो बुरे काम करते हैं यहाँ तक के जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त कहता है कि अब मैं तोबा करता हूँ और इसी तरह उन लोगों की तोबा कबूल नहीं है जो कुफर की हालत में मरते हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार रखा है तो इस तरह की जो भी आयात आती है इससे हमें यही नसीहत मिलती है कि आखिरी वक्त का इंतजार नहीं करना है जिस तरह होता है कि वो हाँ तो बहुत उम्र पड़ी हुई है तोबा कर लेंगे या आखिरी उम्र में जाके हज कर लेंगे तो सारे गुनाह धुल जाएंगे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हज नसीब ही नहीं हो रहा है उनको इंतजार कर रहे थे कि तोबा अभी पिछले पिछले महीने की बात है मैं आपको बताऊं इधर ही एक रिटायर्ड करने लें आप थोड़ा सा उनका दिमाग जो है वो कुछ आ, इतना अच्छा नहीं रहा है तो अः उनके घर गया हुआ था मैं बात हो रही थी उनसे तो वो कह रहे थे कि मैं उम्रे के लिए जाऊंगा तो फिर दाढ़ी रखूंगा मैंने कहा भाई अगर आपने नियत कर ली है दाढ़ी की अरसा हो गया रिटायर हो गए फौज से पहले रिटायर हुए उसके बाद कहीं और जॉब की वहां से भी रिटायर हो गए अब सालों से वो घर में ही बैठे हुए तो मैंने कहा अब आप आपने नियत कर ली है तो उम्रे का क्यों इंतजार करें पता नहीं सऊदी हुकूमत अभी उम्र खोले ना खोले आपको वीजा दे ना दे आपको क्या जरूरत पड़ी है या तो आपने नियत नहीं की थी फिर तो ठीक है मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके आप शेव ना करें <laughs> आपने नियत कर ली है ना तो उम्रे का आप इंसार नहीं करेंगे वहां जाऊंगा तो वहां दाढ़ी रखूंगा ये उस तरह का अमल नहीं है ये तो आप एक रोजाना गुनाह का, का काम कर रहे हैं तो अब आपने उस अमल को छोड़ना है ना तो ये तो जितनी फर्स्ट प्रायोरिटी में हाँ नेक अमल का होता है कि चलो भाई वहां की सरजमीन में जाके मैं करूंगा जैसे वहां की मस्जिद में कोई नमाज पढ़ूंगा तो ज्यादा सवाब मिल जाएगा या जैसे इस आखिरी अशरे में अमल करूंगा ज्यादा जहाँ ब खैरात में हम लोग आमतौर पर करते हैं रमज़ान में सदका खैरात करेंगे तो ज्यादा सवाब होगा तो चले उन चीज़ों में इंसान अगर करना चाहता है कि ठीक है अभी जैसे ज्जा का के दस दिन आ रहे हैं इसमें अगर कोई सदका खैरात करना चाहता है नेक अमल करना चाहता है इंतज़ार कर ले कोई बात नहीं मगर बाकी चीज़ों के लिए मैं यही कहता हूँ कि आखिरी वक्त का इंतज़ार नहीं करना है उस वक्त तोहबा कर लेंगे आजकल जो हालात हैं आप सबके सामने कितने लोगों को डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए तौबा तोबा क्या कलमा भी नसीब नहीं होता इस तरह अचानक मौत आ जाती है हार्ट अटैक अभी कल ही में देख रहा था कि किसी की वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी अभी इलेक्शन जो हो रहे हैं वो साहब हाँ खड़े हुए हैं वो उन्होंने तकरीर की है बाधाप्ता पूरी तकरीर करके जाके बैठे हैं पानी पीने के लिए और उधर ही गिर गए इस लगाते हैं मतलब चीफ गेस्ट और वन ऑफ लीडिंग फिगर्स इन दैट तो किसको मौका मिला तोबा करने का आप बताएं और जिस तरह आजकल आफात आती रहती हैं और इस तरह होता है ना भी हो कुछ कितने लोगों का हम सुनते हैं कि रात को ठीक ठाक सोए थे सुबह आगे नहीं खुली तो तोबा के इंतजार नहीं करना चाहिए जब समझ आ जाए कि हम गलत रास्ते पे हैं गलत काम कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ें तोबा करें और सही रास्ते पे आ जाना चाहिए मैं तो हूं। चलें, ये समझता हूँ चले ये नसीहत की बात हो गई फिर तस्कीर अल्लाह ताला के अहकाम जो जाहिर सी बात है वो अहकाम किसके लिए इंसानों के लिए हमारे लिए ही हैं। तो कुरने क़रीम में जब ये आते हैं अहकाम आ रहे हैं इबादत के मामले में भी आ रहे हैं मामला जो हमारे लेन देन वगैरह होते हैं माशरत मीशत सियासत बैन तालुक़ात वगैरह इस तरह के अहकाम है तो उनसे भी हमने नसीहत हासिल करनी अल्लाह तला ने तो ये कहा है अब जैसे यही वाली आए थे सुरना उुबिल वा 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 ये वाली आयत जो है ये अक्सर हम जुमे के खुतबे में तो सुनते ही सुनते हैं ऐसे ही है ना मगर यहाँ जिस फ्लो में हो रहा है वो असर भी नहीं होता उसका ना अक्सर लोगों को समझ में आती है क्योंकि उर्दू की तकरीर सुन ली होती है अब अरबी का तो पता है रिचुअल हो रही है वो हो रहा है मगर सर बताएंगे अरब कंट्रीज में जब इमाम साहब इस जगह पहुंचते हैं इबाद उनकी ना सिर्फ लहजा आवाज सब कुछ चेंज हो चुका होता है वहां पता चलता है कि अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसकी क्या अहमियत है इस तरह नहीं है कि बस हुक्म ऐसी बस एक फ्लो में गाते हुए तकरीबन गुजर जाए उससे नहीं वो वाकई क्योंकि मेंबर पे खड़ा हुआ जो इमाम है वो नबी का वारिस है ना वो नबी क्या करते थे नबी वसल्लम का खुदबा क्या होता था वो कुरान की आयत पढ़कर वाज और नसीहत करते थे आदिश में आप पढ़ लें तो अब आज जो खुतबा दे रहा है वो क्या करेगा उसने कुरान की आयत से वाज और नसीहत करनी है और नबीम के जो फरमान थे वो इस्तेमाल होने यही दो चीजें होती हैं जिनसे करना होता है तो ये जो है इसका तर्जुमा पहले हम देख लें कि बेशक अल्लाह इंसाफ करने का और भलाई करने का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म करता है और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से रोकता है या मना करता है तुम्हें समझाता है ताकि तुम समझो यहां पे देखें लफ्ज आप तो अरबी माशा से पांच लेवल पढ़ चुके हैं क्या है ये? वाजा है वाजा फिल्म ना तो वाज़ करना इसी से निकला हुआ है ना वाज करना नसीहत करना तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कुरानी तो आयत को जो हकाम की आयात है उस तरह से हम समझेंगे फिर हमारे ऊपर असर होगा वरना ऐसे ही पढ़ के गुजर जाएंगे बस अब हम देखते हैं कि कुरान जो फेम कुरान के जो लवाजमात हैं उनको देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें उसको फहम के लिए है ज़रूरी लाजम है कि उसका इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से सबसे पहले कुरान की तफसीर जो है कुरान के ज़रिए अब यह मुफसरीन का एक सामा असूल है कि कुरान खुद अपनी तफसीर करता है एक जगह पे कोई आयत आ गई दूसरी जगह पर उसकी एक्सप्लेशन आ जाएगी और नबीम ने बहुत सारी आदिश में ये चीज़ बताई है इसीलिए आप देखें तमाम महदसिन जो है वो एक पूरा चैप्टर रखते हैं किताबुत तफसीर अब हदीसी कोई भी किताब खोलेंगे ना सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह माजा आप देखें उसमें आएगा किताब ईमान है वो लिफ्टे काम कर रहे हैं सर किताब ईमान है किताब सलात है किताब सौम है वगैरह किताबल इस तरह करते करते किताबुल तफसीर भी आ जाएगी और फिर तफसीर जिस जिस आयत की खुद नबी सल्लल्लाहु सोलह ने बताई या कुरान में दूसरी अगर से आ रही है जैसे इब्ने अब अब्बास रज़ी अल्लाह अब्दुल्लाबिनों की तफसीर का काफ़ी सारी आदीस से हमें मिल जाती है दूसरे साहबा ने बताया कि जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये एक्सप्लेन किया जब यह आयत आई उस वक्त ये हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में आई है ये वाली आयत वो सारी चीज़ें तो उसके लिए क्या होगा नज्म कलाम यानी कि उसका स्याको सबाक देखा जाएगा कि भाई ये आयत किस वक्त नाजिल हुई है और आगे पीछे उसके क्या टॉपिक्स हैं और उस टाइम में क्या सिचुएशन थी उसके मुताबिक फिर उसको समझने की कोशिश की जाएगी उस आयत को जैसे मिसाल के तौर पर नवाजी के बारे में कुछ अहकाम या शराब के बारे में अहकाम शुरू में कुछ और थे बाद में ग्रेजुअली जो है वो जो तहरीन वाली स्टेज तक आए तो इस तरीके से उसको जब तक उस सियाको सबाक में नहीं समझा जाएगा ना बात समझ नहीं आएगी और कोई जाहिल उठ कर कह सकता है ये तो कंट्रेडिक्शन है कि एक जगह पे इसको अलाउ किया जा रहा है एक जगह पे नहीं अलाउ किया जा रहा है नौजुबिल्ला इसलिए सियाको सबाक में आयत को देखना बहुत जरूरी होता है फिर उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है सुनत मुतवा और तामल उम्मत यानी ये कोई डिसकनेक्ट तो नहीं आ गया था ना बीच में नबी सजम आए साहबा के, के दरमियान रहे कुरान उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बाद कोई डिस्कनेक्ट आ गया अब आज हमें किताब मिल रही है हम खोल के नए सिरे रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसा नहीं है कंटिन्यूएशन है एक तवातुर जिसको हम कहते हैं कि भाई नबी सोसम ने जब समझाया तो सैकड़ों साहबा ने हज़ारों साहबा ने उनसे समझा उन्होंने फिर मज़ीद हजारों ताबीन और तबा ताबीन तक पहुँचाया उनमें ुमाए शलफ़ गुजरे जिन्होंने तहकीक की इस पे रिसर्च की बड़े बड़े नाम हैं इमामों के जिन्होंने इस पर काम किया नबी सो के जो अहकाम थे उसको ले करके और फिर कंटिन्यूएशन में यहाँ तक पहुँच गया ये कुरान के अहकाम जो हैं वो अब आज ऐसा नहीं हो सकता जबकि आए दिन आप भी सुनते होंगे कोई उठ के कहता नहीं नहीं कुरान की साहित का मतलब तो ये है तो भाई ये मतलब आज आपको समझ में आ गया नबी असम ने इसका कुछ और मतलब समझा था साहबा ने कुछ और मतलब समझा था साहबा इस पर कुछ और तरीके से अमल कर रहे ऐसे अभी इसी को देख लें आप जिलेजा कर्बानी की बात आ रही है आपको आज इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी कुरबानी करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना हाँ वो कुछ और भी पैसे देते हैं या कुछ और भी बातें करते हैं कि जी ये तो है ही नहीं आपके ऊपर वाजिब भी नहीं है और वगैरह इस तरह की बातें तो आज वो कुरान में अल्लाह ताला ने जो नहर की आयात आती है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इंप्लीमेंट किया आज कोई कहता है नहीं तो सिर्फ हज में ही हो रही है और बाकी पूरी दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए तो अब वो जब ये बात कर सकता है जब वो आइसोलेट कर ले अपने आप को के दरमियान में अब साहबा का अमल भूल गए नबीसम का अमल भूल गए कि भाई हज के, के बगैर क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं है साहबा ने नहीं किए कुर्बानी किया फिर आप आज बात कर सकते हैं इसकी बहुत सारी और ही मिसालें तो मैंने बिल्कुल करंट आज जो इशू चल रहा है वो बता दिया इसलिए हमेशा कुरान का फहम हम इसीलिए कहते हैं जो कहते हैं ना कुछ लोग अपने आप को सलफ कहते हैं तो वो एक छाप लगी उनके है उनके ऊपर के सलफिया असल में वो कहना क्या चाहते हैं अपने आप को क्यों हम कह रहे हैं कि हम हम उलमाए सलफ़ के ऊपर चल रहे हैं उलमाए सलफ़ ने जो कुरान करीम को समझा था हमारी भी समझ वही है हम वहां से ले रहे हैं दीन को तो हम उस पर चल रहे हैं तो ये ये वो वाली बात है कि उम्मत में कैसे ये मुतवातर प्रैक्टिस हो रही है इस दीन की आज हम नए तरीके से नहीं प्रैक्टिस शुरू कर देंगे उसकी उसके बाद फिर अखबार हाद ये जो सही आदीस से जो तफसर है वो मैंने बात कर ली कि सही आदीस में जो चीज़ें आती हैं जो आयात कुरान की है उसके लिए जैसे नमाज के बारे में भी आप देखें यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है हालांकि नमाज के बारे में बड़ा क्लियर है कि अल्लाह ताला ने कुरान ने बताया कि जी उस तरीके से नमाज़ पढ़ो जो हमने तुम्हें बताया तुम पहले नहीं जानते इसी सुर बकरा की आयत आती है तो वो अब इसका मतलब है अल्लाह ताला ने बता दिया तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था उन्होंने उस तरीके से नमाज़ पढ़ी अब आज एक कुछ साहब हैं यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग हैं कहते हैं नहीं वो सलाद का मतलब तो बस दुआ तस्बी वगैरह ये सब चीजें ये रिकात वाली है तुम लोग पढ़ते हो ये नहीं है ठीक है इस तरह की बातें करते हैं लोग तो ये सारी गुमराही उसी वक्त आती है कि उनके फहमे कुरान में से ये वाला एलिमेंट निकल गया है आदीस से लेना क्योंकि वो आदीस का इनकार कर देते हैं ना वो तो मुनकरीन हदीस का एक बहुत बड़ा ग्रोह है यहाँ पे आपको पता होगा और बड़ी अट्रैक्शन होती है उनकी बातें बाजों का छोटे छोटे क्लिप लोग शेयर करते हैं उसको आइसोलेशन में सुने तो बड़ा अच्छा पता चलता है, जलता है। आ, मगर जब फिर तफसील में जाते हैं तो पता चलता है अच्छा नहीं उनकी असल प्रॉब्लम तो ये है कि उन्होंने अदीज़ का इनकार कर दिया बिल्कुल ही तो और फिर अपनी दिमाग से फिर चीज़ों को समझते हैं और फिर गुमराहों में पड़ते हैं जाहिर तो सी बात है आसार साहबा भी वही है कि भाई साहबा ने कैसे समझा था इसको कैसे प्रैक्टिस किया था सफ़र में वो कैसे करते थे नमाज मिसाल के तौर पर जक़ात का उन्होंने किस तरह निज़ाम किया हुआ था रोज़े किस तरह से वो खोलते थे किस तरह रखते थे ये सारी चीज़ें जो है ना अहकाम कुरान के जो है ना उनके आसार से ही मिल जाते हैं अब ये भी आधी सी किताब में मिल जाती है हमें चीज़ें उसके बाद फिर एक और चीज़ है अरबी जबान में कुरान में जो चीज़ें आई हैं ये हम बात करेंगे जब बलागा पे आएंगे अरबी के जो अशार हैं वो भी आते हैं फहम कुरान के लवाज़म में कि आज भी हमारे जो उस थे कुरान के जब कोई बात आती थी इसकी आ, किसी आयत के में किसी लफ्ज़ के इस्तेमाल की तो वो कोर्ट वही करते थे कि जी जमाने जाहलीत के शोरा में से मिसाल के तौर पे लबीद ने फला शेर में इसको ऐसे इस्तेमाल किया है वो अथॉरिटी है आप समझ रहे हैं या वो कहते हैं कि सभा मोलकात में फला जो शख्स था शायर उसके कलाम में ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो जमान जहलीत के जो अशार हैं वो आज भी अथॉरिटी समझे जाते हैं अरबी जबान को समझने के लिए चाहे आप कुरान की अरबी समझ रहे हैं या जो दूसरी लिटरेचर पढ़ रहे हो अरबिक लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हो उसमें भी तो ये भी बहुत ज़रूरी है फिर अरबों के तमदन से भी वाकफियत बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर अरबों का तमदन से वाकफ़त नहीं हो तो फिर अगेन आदमी परेशान होता है कि ये पता नहीं क्या है उनका जो तमदन था जो उनकी सोसाइटी जिस तरीके से इस्टेब्लिश हुई हुई थी उसको समझना और फिर उनकी जबान में उस वक्त जो डेवलप होने के बाद जहाँ तक पहुँच चुकी थी उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को बयान किया जाता था उस चीज़ को समझेंगे तो फिर कुरान का बयान भी समझने में हमें आसानी होगी मगर ये बहुत डिटेल वाले चीज़ें हैं जो इन्होंने लिखा भी इसीलिए कि ये जराए हैं और इसीलिए मुफसरन जो है आप देखेंगे जितना ज़्यादा उनका मुताल होता है उतना ही उनका फहम भी ज़्यादा होता है और आए दिन मुफसरन आप देखें पुरानी से सेटिसफाइड नहीं होते वो कहते मैं नई तफसीर लिखता हूँ और आज भी लोग तस्वीरें लिख रहे हैं और हमेशा से लिखते हैं उसकी वजह यही है कि जितना ज्यादा मुताला होगा उतना ज्यादा आपका हॉराइजन ब्रॉड होता है और फिर कुरान का फहम जो है वो उतना ही बेहतर होता है अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का पॉइंट है वो ये है हमारा कि कुरान फहमी की राह में रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं और आती हैं क्योंकि तो हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं ना कुरान करीम को हम समझना चाहते हैं कुरान फहमी के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो अब ये देख लेंगे कि रुकावटें क्या क्या आती हैं और क्या क्या आएंगी उनको पहचान लें ताकि उनका तदारक हम करते रहें आ, सबसे पहली चीज एक मनमानी जहनीत यानी कि पहले से एक नजरिया कायम करके फिर कुरान से उसको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए कुछ दलाइल निकाले जाए अगर इस नज़रिए से कोई कुरान को पढ़ेगा तो फिर गुमराही निकालेगा उसमें से हिदायत नहीं निकलेगी क्योंकि हिदायत तो जब ही निकलेगी कि जब आप पहले से जहन में जो चीज़ बनी हुई है ना बजाय इसके उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कुरान में चीजें ढूंढे फिर वही नजर भी वही आ रही हो इंसान जो चीज ढूंढ रहा होता है वही नजर आती है ना आपको एक पेज देता हूँ मैं मुख्तफ अल्फाबेट लिखे हुए और मैं कहूँ इसमें से एल काउंट करके बताएं तो आप दरम्यान में ई आई वगैरह जाएंगे सब कुछ छोड़ते चले जाएंगे तो आप तो ढूंढ ही एल रहे हैं उसमें तो बाकी चीजें आपको नजर आएंगी आप सिर्फ नंबर ऑफ एल्स आप बता देंगे जिसके अंदर ट्वेंटी एल आए हैं मिसाल के तौर पर हाँ प्री कंसीव तो ये जो चीज है ना ये हिदायत के रास्ते में बहुत बड़ा मसला है और अब इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही समझ लें कि ये कहाँ आती है हम जिस घर में पैदा हुए हैं मिसाल के तौर पे अगर किसी एक सेक्ट को फॉलो करने वालों के घर में हम पैदा हो गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही सेक्ट जो है वो सही है मगर उस सेक्ट से हटते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को क्यों इसलिए कि मैं तो उस घराने में पैदा हुआ हूँ हमारे तो आबा अजदाद जो है फलां सिलसिले में थे या फलां मसलक के थे या फलां उसके थे तो अब कुरान को भी हम पढ़ेंगे ना तो उसी को हम चाहेंगे कि सप्लीमेंट करने के लिए आयते निकल आए हमारी सपोर्ट करने के लिए फिर ग्रोही असवियत भी कि मैं जिन लोगों में शामिल हूँ मिसाल के तौर पर किसी एक ग्रुप से वापस्ता हो जाए किसी सेक्ट से वापस्ता हो जाते हैं लोग उनके साथ चल रहे होते हैं उस भी अपने साथ लगा लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका कोई सेक्ट नहीं था मगर उनको टीचर कोई ऐसे मिल गए जो अपने सेक्ट को बहुत ज्यादा प्रोमोट कर रहे थे या अपने आ, मसलक को बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे थे और खास मसलक को कर रहे थे उनके स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उनका जहन बन गया और उनके पीछे चलना शुरू हो गए तो तासुब की एनक से फिर कुरान का मुताल करेंगे तो फिर अगेन वही होगा वहां से घुमराई निकाल के ला रहे होंगे तो वो जो ग्रोही असबियत है उसको छोड़ करके फिर कुरान का न्यूट्रल होकर के किया जाएगा फिर सही चीज मिलेगी वरना कुरान फैमान है वो उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि है दिल में हमारी असल अजमत किसकी होनी चाहिए कुरान की होनी चाहिए कि वो अजीम है और हम अपने आप को जितना हम्बल करके उसको समझने की कोशिश करेंगे ना उतना ही उससे फिर हम हासिल करें अगर हम समझते हैं, नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा लामा हो गया हूं मैंने तो ये ये कुछ पढ़ लिया ये ये कुछ सीख लिया इतनी मेरी उम्र हो गई इतना मेरा तजुर्बा हो गया है तो अब फिर कुरान के साथ भी बदतमीजी करने लगूंगा मैं जब ये वाला तकबर आ गया ना मेरे अंदर कि अपने आप को वो अकल कुल समझना शुरू कर दिया मैंने तो फिर कुरान की भी वो अहमियत ही है फिर उससे हिदायत क्या लूंगा मैं आप देख लें जिस उस्ताद के पास हम कोई इल्म सीखने जाते हैं ना पहले हम ये चीज़ तस्लीम करते हैं अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अदीस में असमा रजाल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ किसी आलिम के पास उस्ताद के पास तो पहले मैं कन्विंस हूँ ना कि हाँ इस वक्त जो अवेलेबल इसमें फनजाल का ये बहुत बड़ा आलम है फिर मैं उसके साथ बैठ कर पढ़ना शुरू करूँगा ना अगर मैं कन्विंस ही नहीं हूँ कि मुझसे ज़्यादा इसको पता है तो मैं क्या जा सीखूँगा उससे बैठ भी जाऊंगा मगर कुछ लेके नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा दिल जो है वो उस पर मुतमिन ही नहीं होगा कभी और मैं हमेशा उसकी गलतियां निकालने के चक्कर में लगा रहूंगा उसकी चीज को ट्रस्ट ही नहीं करूंगा मैं ये सारी चीजें तो कुरान के साथ भी हम फिर यही मामला कर रहे होते हैं कि कुरान को पढ़ रहे हैं, असल मकसद होना चाहिए कि अपने दिल को नरम करके हम्बल होकर के हम उससे नसीहत हासिल करना चाहें बजाय उसके हम अपनी इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर थोपने की कोशिश करें ये एक बहुत बड़ी रुकावट है तो इसलिए हमेशा जितना हम्बल होकर कुरान को पढ़ें आयजी के साथ पढ़ें उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है फिर तो उसके बाद नीयत का फसाद ये जो हमने पहले बात कर ली कि इखलास ज़रूरी है ये मुखालफत की गर्ज से नहीं पढ़ें कुरान को बहुत तो सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी कुरान को समझने की कोशिश करते हैं कि जी अच्छा मैं इससे इनको काउंटर करूंगा मैं कुरान तो, तो मैंने अपनी हिदायत के लिए पढ़ना है भाई समझना है अपनी हिदायत के लिए हाँ जब उस दर्जे पर पहुंच जाए कहीं कोई अल्लामा बन जाए कि भाई अब आपने दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू करना है कुरान फहमी क्लासेस कंडक्ट करानी है फिर ठीक है मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मेहनत और लम्बा अरसा भी तो चाहिए ना ठीक है हर बंदा तो नहीं कर सकता तो इसलिए ये वाला टॉपिक जो है ना छोड़ छोड़ दें आज होता है अभी पिछले दिनों अभी ये किसी ग्रुप के अंदर आया हुआ था किसी साहब ने कोई टॉपिक डाला हुआ मैंने कहा ये टॉपिक आप पब्लिक में ला क्यों रहे हैं। वो सूफी सेल्फी वाली बहस लेके आ गए थे ये आम पब्लिक का टॉपिक ही नहीं है आप मत पब्लिक के अंदर ये रहने दो उन लोगों के पास जो इस फील्ड के लोग हैं ठीक है ना हा, हाँ उनका काम है हमारा थोड़ी है तो आ, ये ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मुसलमे में ना दरम्यान वाला पार्टीशन बंद करके उस तरफ वाला ए सी ऑन कर लें थोड़ा ठंडा कर लें खिड़कियां वगैरह बंद करा दें जब तक नमाज के टाइम तक ठंडा हो जाएगा तो ये इखलास जो है ना ये बहुत जरूरी है उसके बाद कुरान फहमी में जो मजीद रुकावटें आ रही हैं वो क्या है सबसे पहली चीज हमने समझ लिया है कि बस कुरान तो इसीलिए है कि पढ़ पढ़ के या तो बख्शते रहें लोगों को या सवाब कमाते रहें अभी रमज़ान गुजरा है कई लोगों से बात हुई जी मैंने चार खत्म कर लिए मैंने छः खत्म कर लिए मुझे तो ये बात ही समझ में आती है कि ये बगैर समझे कुरान खत्म कैसे हो जाता है ने? ये सहाबा जिनको समझ आ रही थी जिनकी जबान थी वो भी ठहर ठहर के पढ़ते थे कि उसमें गौर कर सकें हमारी तो वो ज़बान ही नहीं है और वो बगैर समझे फर फर पढ़े जा रहे हैं और खुद भी खुश हो गए लोगों को बता रहे हैं जी इस रमज़ान में मैंने चार कुरान ख़त्म किए हैं समझा अब मेरे ऊपर असर क्या हुआ उस चार दफ़ा कुरान के तीस पारे पढ़ने का अगर मैं वैसे का वैसे ही हूँ जैसा पहले था तो फिर मैंने नहीं पढ़ा ना कुरान इसलिए हम यही कह रहे होते हैं कि ये जो कुरान खानी हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट है कुरान खानी का जजाक मिला खेल तो ये आम कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कुरान खानी करनी चाहिए इसमें कोई मसला नहीं है मगर असल मकसद जो है कुरान फहमी है अगर कुरान फहमी को छोड़ करके मैं सिर्फ कुरान खानी कर रहा हूँ तो इसका मतलब गड़बड़ है मेरी अपनी फहम के अंदर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बाद फिर एक और मसला जो खड़ा हो गया सवाब के लिए इसको कि जी अच्छा किसी की डेथ हो गई सिपारे पकड़ाए लोगों को अच्छा जी पढ़ पढ़ के आप बक्स दें अब आजकल तो जरा थोड़े फास्ट हो गए लोग व्हाट्सअप के ऊपर ही आ जाता है कि जी अच्छा आपने फला फला पारा पढ़ना है घर पे बैठ के ही पढ़ लें बख्श दीजिएगा तो ये भी पता नहीं भाई ये जो काम है ये इस सवाब का अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि भाई इस तरह के कामों से नहीं होता है और ना किया क्या आप बताएं नबी सोसम के ज़माने में बहुत सारे साहबा की डेथ हुई उमातलम की भी हुई नबी सोसम के ज़माने के बाद भी होती रही क्या वो ये काम कर रहे थे कि किसी के घर में जमा हो गए कुरान पढ़ के बख्श दो तो? नहीं हो रहा था ना ऐसा इसका मतलब है कि ये कुरान के साथ हम कुछ मजाक कर रहे हैं सीधी सी बात है कुरान फहमी में ये चीज बहुत बड़ी रुकावट होती है आदि से बड़ा क्लियर आ गया कि सदका जारिया क्या चीज़ है अगर मैं मर जाता हूँ तो किन चीज़ों का मुझे स्वाब मिल सकता है आप मेरे घर जा करके कुरान पढ़ेंगे तो आपको तो स्वब हो सकता है मुझे नहीं पहुँच रहा मुझे क्या चीजें पहुंच रही हैं नबी साहब ने साफ बता दिया है कि जी कमाल का दफ्तर बंद हो जाता है सवाए इन चीजों के सदका जारिया जो मैं अपनी जिंदगी में करके चला गया हूँ मैंने अपना माल अपनी एफर्ट्स कहीं लगा दिए मेरी नीयत शामिल है उसमें कि मैं ये काम करके जा रहा हूँ इस दुनिया से और अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ फिर क्यामत में मुझे अजर मिलेगा उसका अगर मैं कोई ऐसा नेक काम कर गया हूँ और ये दोनों इसका पार्ट ही है ये भी मैं बता दूंगा आपको अगर मैंने कोई नॉलेज हासिल की थी और अब मैं वो उसको दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ किताब लिख दी मैंने कोई लेक्चर्स है मेरे यूट्यूब के पढ़े हुए लोग उससे फायदा उठा रहे हैं कोई शागिर्द मैंने इतने तैयार कर दिए जो उसको आगे जा करके पढ़ा रहे हैं तो वो नॉलेज जो है ना मैंने इस दुनिया में छोड़ दी है एफर्ट किसकी थी उससे मेरी एफर्ट थी ठीक है ना ये नहीं हो सकता है मेरे मरने के बाद जनरल साहब जो है वो अपना कोई लेक्चर जो है फहीम साहब के नाम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कि जी लोग फायदा उठाएंगे इससे और उनका सवाब उनको मिलता रहेगा जो साहब को पता ही नहीं है ठीक है ना सर ये बहुत जरूरी चीज है इल्म नाफे में भी मेरी एफर्ट शामिल है और ये नेक औलाद जो है ना इसमें भी मेरी एफर्ट शामिल है कि अगर मैंने उसको सही तरबियत दी उसको सही तालीम दी थी फिर वो नेक अमल कर रही है तो इसका मतलब है मेरी एफर्ट शामिल थी तो अब उस नेक अमल का जो अजर है वो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा तो ये जो हमने कुरान करीम को इशारे सवाब के लिए रख लिया है ना ये बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ी रुकावट है फेम कुरान के लिए जो लोगों को नहीं आता उनको कहते अच्छा बिस्मिल्ला का कुरान खत्म कर लो ये पता नहीं क्या चीज़ है ये भी मुझे नहीं पता सुना है मैंने लोगों को कि जी जिसको नहीं तिलावत आ रही नाजरा नहीं आता है ना हर लाइन में बिमिल्ला बिसमिल्ला उंगली फेरते रहे सुना होगा आप लोगों ने भी कभी इस तरह की चीजें भी ये सारी जहालत की बात है ये इल्म की बात नहीं है कोई फिर तावीज बनाना उसका आप बताएं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का ये काम किया था कभी इन कामों के लिए अल्लाह ताला ने कहीं कुरान कुरने बताया कि हमने इसके लिए नाजिल किया इस कुरान को कहीं भी नहीं ये भी अगेन जहालत है और ये वही चीज़ है कि हमें रोकती है कुरान फहमी से क्योंकि तावीज़ जो बंद करके देगा ना भले पूरा कुरान में खोलना नहीं है इसका ठीक है ना चाहे वो आए थे कोई और या चाहे कुछ और है वो तो मुझे इसके बहुत तजे हुए सर मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा इसको <laughs> कि जब तावीज खोले अब तो क्या क्या मिला मैं कुरान से फाल निकालना अच्छा ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा थी ईरान में थी ईरान से इंडिया में बहुत ज्यादा आ गई सब आओ हमारे पाकिस्तान में इसका इतना नहीं रहा है मगर पुराने लोगों से शायद आपने कभी सुना होगा कुरान से फाल निकाला करते थे या कुरान से निकालते थे या वो दीवान हाफिज से वो सुना है सर कभी आपने दीवाने हाफिज़ से आज भी कोई पुरानी औरतें जो है ना उस तरह की वो बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं हाँ दिवासे वही वही तरीका बिल्कुल तो कुरान से भी उसी तरह फाल निकाली जाती है और दीवाने हाफिज हाफिज़ एक शायर था फारसी का क्या ऐसी चीज थी उसके अंदर आप सोचें जरा मगर वही जालत थी ईरान में बड़ा कॉमन था ईरान से इंडिया में आ गया और इंडिया में चलता रहा अब इस जनरेशन में आगे शायद खत्म हो गई ये चीज़ के अब शायद तो दीवाने हाफिज तो लोगों ने देखा भी नहीं होगा नजर भी नहीं आता होगा फारसी में क्योंकि पिछली जनरेशन तक तो था मुझे पता है मगर ये अभी भी है फिर उसके बाद दुल्हन के सर के ऊपर से गुजारना अब ये एक रिचुअल है चाहे कुरान उसको पढ़ना आता हो नहीं आता हो कुरान पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा है दुल्हन को जरूर उसके आप मुझे बता दे जिंदगी में कितने रुख्सतियां हमने अटेंड की होंगी कोई दुल्हन ऐसी गुजरी है जो कुरान के नीचे नहीं गुजरी थी क्या उन सब की शादियां कामयाब हुई हैं ये कोई बता दे कोई गारंटी है इस चीज की ये भी एक बस रसम बन गई है तो कुरान इसलिए नहीं है कुरान की बेदबी है मैं साफ बता रहा हूँ क्यों अल्लाह के रसूल सल वसम ने कुरान इसलिए था, नहीं इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं कहा इसलिए इस्तेमाल करो साहबा ने इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल सलफ में से किसी ने नहीं कहा कि इसलिए इस्तेमाल करो ये सब जयालत है अदालतों में हलफ़ उठाने के लिए भी कुरान जिसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता उसको भी कुरान पकड़ा देते हैं कि आप इसके ऊपर हलफ उठा ले वो भी हलफ उठा लेते हैं ठीक तकली इन कामों के लिए नहीं है कुरान क़ुरान फहमी में ये सारी चीज़ें रुकावट बन रही है कि लोगों ने समझ लिया शायद कुरान इसीलिए सबसे पहले बताने भाई कुरान को समझना है उस पर अमल करना है तो कुरान तो फहमी में जो रुकावटें दूर होंगी ना हमारी वो इन चीज़ों को पहचानने से ये जो आठ पॉइंट है ना इनको हम पहचान लें तो ये रुकावटें इनसे हमने खुद ही बचना है और जो लोग क्योंकि अब हम सब माशाल्लाह से कुरान टीचर वाली कैटेगरी में आ गए ना जब किसी सिक्स में भी आकर के अगर आप कुरान टीचर वाले उसमें नहीं आए हैं तो फिर कुछ मुझे भी सोचना चाहिए आप सब लोगों को मेरे हिसाब से क्यू सी वन तो पढ़ाना चाहिए और मैं तो साफ कहता हूं कि और कोई जगह नहीं मिलती यहां आके पढ़ाना शुरू कर दें माशाल्लाह से अभी पढ़ा रहे हैं इस वक्त सर क्यू सी वन और क्यू सी टू दोनों में नहीं पढ़ा रहा हूँ माशा से हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं और यहीं इसी क्लास के लोग पढ़ा रहे हैं तो आप सब लोगों को पढ़ाना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो आठ चीज़ें इसको हम समझ लें कि ये चीज़ें हैं जो हमें कुरान फहमी से रोक रही होती हैं अभी नमाज में थोड़ा टाइम है तो हम ये भी बात कर लें क्यूसी सी वन से क्यूसी फाइव तक अब तक क्या पढ़ा है फिर हम आगे चलेंगे क्यूसी सी वन में क्या पढ़ा था हमने मुकम्मल नमाज थी छह सूरतें चार दुआएं उसके अंदर हमने ग्रामर पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो सही अफ़ाल है उनका हमने पढ़ लिया था ये चार अहबाब से जो आते हैं कमजोर वगैरह नहीं पढ़े थे और वो सिर्फ मजीद मजीदनफी भी नहीं पढ़ा था सलासी मुजर थे हम उसके बाद यूसी टू में जब हम आए तो हमने पहला पारा शुरू कर लिया और फर्स्ट क्वार्टर रुबा तक जो है वो हमने पढ़ लिया शुरू की जो सैतीस आए थे उसमें और ग्रामर में फिर हमने कमजोर अफाल पढ़े जो हैं सेहरफी सोरासी मुजरद वाले अभी भी हमने मजीदी में नहीं आए थे जब क्यूसी थ्री में हम आए तो अब हमने उसमें सिर्फ मजीदनफी अफाल पढ़े उसके आठ अफबाब और साथ में सही और कमज़ोर दोनों के मजीदूफ़ी पढ़ लिया यहाँ तो हमने सही सरासी मजरत के अलग पढ़े थे कमजोर अलग पढ़े थे ना मजीदुफ़ी में इनके दोनों पढ़ लिए और दूसरा हाफ भी पढ़ लिया तो जज़ जो है पहले पारे का वहाँ तक पहुंच गए थे हम उसके बाद जब क्यूसी फोर में आए तो हमने फिर तीसरा क्वार्टर जो है कुरान करीम का कुरान पार्ट में वो पढ़ा ग्रामर में फिर हमने मोनस के सीखे सीखे मोनस की गिरदाने पढ़ी तस्निया उसके बाद फिर मझूल के सीखे जबा मुकसर उसकी अकसाम पढ़ी फिर इसम मकान जो जर्फ है उसका एक पार्ट पढ़ा फिर सिफ्त इसम सिफ्त जिसको हमने कहा था इसम तफ़ील थोड़ा सा इसम मुबालगा और जुमला इसमिया पढ़ा जब क्यू सी फाइव में हम आए तो हमने फिर चौथा क्वार्टर उसका पढ़ा यानी कि पहला पारा हमारा मुकम्मल हो गया फोर्थ क्वार्टर जो था वो हमने पढ़ लिया इसमें कुरान पार्ट में और बकरा की एक सौ बयालीस आयात हमारी मुकम्मल हो गई यहाँ जब ग्रामर में आए तो हमने फिर जुमला फेलिया पढ़ा यहाँ करके क्यू सी फाइव अभी क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने कंप्लीट किया इसलिए आसान है हमारे लिए जुमला फेलिया के बाद फिर हमने इन्ना और काना वाले जुमले पढ़े यानी कि इन्ना और काना का जो अमल जुमला इसमिया के ऊपर होता है वो पढ़ा हमने उसके बाद ये चार जोड़ियां पढ़ी आपने कौन कौन सी चार जोड़ियां पड़ी सबसे पहले आपने जार वाली ठीक है ना जार मजरूर ठीक है ना हाँ रूफ जर वाली जोड़ी ठीक है ना उसके बाद सेकंड पे हमने सेकंड में हमने सिफ्ट वाली पढ़ी हाँ। हमने इशारे वाली पढ़ी ठीक है ना सही है, उसके बाद फिर हमने हाँ मगर सर आपने दरमियान में थोड़ा सा मिस किया ना तो अब उन्होंने जोड़ियों के नाम दूसरे दे दिए हैं जैसे इसको ताल्लुक की जोड़ी का मगर हमने क्यूसी फाइव में आके आपको दोनों नाम पढ़ा दिए थे मुजाफ मुजाफिल है हैबी मरकब इजाफ़ी का भी नाम हमने आपको याद करा दिया था कि ये मरकब इजाफी है और ये मरकब तोसीफी है ये भी हमने बताया था और ऐसे भी बता दिया था कि ये सिफ की जोड़ी है और ये ताल्लुक़ की जोड़ी है और ये इशारे हाँ बिल्कुल इसी तरह तो आपको तो अलहमदिल्ला हमने वो भी पढ़ा दिया इसलिए क्यूसी सिक्स में आपको मुश्किल ही होनी चाहिए वो लोग जो उस सिस्टम से पढ़ के आए थे उनको क्यूसी सिक्स में आकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैं बता दूंगा आपको उसके बाद फिर हमने मंसूबात पढ़े कि इस हालत नसब में कब जा रहे होते हैं असमाय खमसा पढ़े हमने फिर मुनसरफ गैर मुनसरफ़ की बात की और फिर आखिर में मौरब और मबनी का तारफ़ भी किया था डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ हमने तो ये अच्छी खासी ग्रामर जो है हमने पढ़ ली है थोड़ी सी और रह गई है जो अब हमने क्यूसी सिक्स में पढ़नी है इनशाला तो क्यूसी सिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कुरान पार्ट में जिस तरह मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आयत नंबर एक से दो तक हमने पढ़ना है और अगर अल्लाह ताला ने आसानी की दो हो सकता है हम तीसरा बारह मुकम्मल भी कर लें कोर्स में मगर यहीं तक है ग्रामर पार्ट में हमने क्या किया है करना है इसमें कि जितनी ग्रामर पढ़ी हुई है उसकी एक रिवीजन क्विक सी करेंगे हम जो पहले भी पढ़ के आगे ना अभी शुरू के ले, लेसन में आप देखिएगा हम उसकी रिवीजन थोड़ी सी करेंगे ठीक है ना फिर जो आम असलाहत इस्तिला, के साथ ग्रामर है जैसे वहाँ पे हम नहीं बता रहे थे कि ये जमा मुकसर कहते हैं इसको वहाँ पे हम कहते हैं टूटी बूढ़ी जमा है इसी तरह हमने वहाँ पे जब हमने जमायर पढ़े तो मुतसल और फसल वग़ैरह ये नहीं पढ़े हुए थे तो ये असलाहत जो है ना ये अब आ जाएंगी मगर अगेन मैं यही कहूँगा कि जो आई -सी -सी में आप लोगों ने कोर्स किए हम थोड़ा थोड़ा बताते रहे साथ में तो अलहमदिल्ला आप लोग टी सी सिक्स में जब आए हैं तो आप अच्छे खासे इक्विप्ड हैं ये वाला काम भी अच्छा खासा आपको आता है फिर अब हम मोरभ और मबनी की कुछ तफसील पढ़ेंगे वहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया था मुंसरफ और गैर मुनसरफ की भी तफसील पढ़ेंगे मरफूहत मनसूबात और मजूरत की अब मजीद तफसील पढ़ेंगे हम क्योंकि अभी तक कुछ थोड़ी थोड़ी पढ़ी हमने सारे मनसूबात भी नहीं पढ़े थे हमने याद होगा ना कितने ग्यारह पढ़े थे कितने पढ़े थे ठीक है ना तो और पढ़ने जो जो रह गई है ग्रामर फिर अदद अदमादूत ये भी पूरी साइंस है कि सर ये सीखते हुए रट्टा लगाते हुए लगती है मगर जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना इनशाला फिर मुश्किल नहीं होगी जब आप उस तरीके से पढ़ लेते हैं ना कि अच्छा एक से तीन तक का ये कायदा है तीन से नौ तक का हाँ आदत महदूद वही वाला तो ये गिनती है कवायद मगर इसमें भी पूरी डिटेल नहीं होगी क्योंकि कुरान करीम में कितना इस्तेमाल होता है उतना ही पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे क्या कोई आपको मिलियन बिलियन वगैरह को अरबी में बताना हो तो वो वाली चीज़ हमने हमने सिर्फ कुरान वाली पढ़नी है तो ये गिनती के भी मुख्तसर चीज़ें जैसे कुरान में जितना आता है ना गिनती का एक से लेकर नौ तक आ जाता है उसके बाद फिर दस के बारे में आ जाएगा बीस चालीस इस तरीके से ठीक है हज़ार आ जाएगा फिर असल जो काम है वो ये वाला है कि बकरा की आयत पर अब उस ग्रामर को अप्लाई करना जो अब तक हम पढ़ के आ चुके थे क्यूसी फाइव तक और अब भी जो पढ़ते जाएंगे वो भी साथ साथ अप्लाई करते चले जाएंगे उसको अच्छा ये वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा क्यूसी फाइव में कर लिया था क्योंकि अगर आप लोगों ने क्यूसी फाइव यहाँ पर किया है या कहीं और से ऑनलाइन किया है कोई है ऐसा यहाँ पे जिसने ऑनलाइन क्यूसी फाइव किया हुआ इतफाक तो शायद में से कोई भी नहीं आया हुआ है दो तीन लोग जिनको मैं जानता हूँ वो ऑनलाइन क्यूसी फाइव क्या बल्कि क्यूसी सिक्स भी कर रहे हैं तो उनसे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर पता चलेगी कि क्यूसी फाइव में हमने जितना अप्लाई किया है पिछली क्लास में कुछ लोग बैठे हुए थे ना वो बताते भी थे मेरा ख्याल है ये अब्दुल हनान साहब थे जहार साहब ये चौधरी गुलाम ग़ुलाम हुसैन साहब और एक आध और भी लोग थे तो हमने अलहमद ला फाइव में आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सिखा दी थी इसका पहचान भी यही है देखें आपसे जो हमने टेस्ट लिया उसके अंदर हमने आयत दे दी और हमने कहा कि इसमें से ये चीज़ें ढूंढ के लिखी और आप लोगों ने लिखी भी तो आयात पर उस नॉलेज को अप्लाई करना अच्छा खासा आप लोग सीख चुके हैं बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्यूसी सिक्स उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना ऑनलाइन क्यूसी फाइव करने के बाद लोग क्यूसी सिक्स में आए हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है और एक कोर्स के अंदर मुझे पता है कोई 80 से ऊपर लोग थे और फिर कोई थर्टी फाइव थर्टी सिक्स रह गए थे में मगर अलहमदिल्ला आप देखिएगा कि आपके लिए ये आसान होगा उसके मुकाबले में जो यू सी फाइव में आपने अप्लाई करना सीख लिया था उसको यूज करते हुए अच्छा अब जो इसके बारे में मैं बता दूं कि हो गया अच्छा नहीं ये मोबाइल है किसी का चले बस ये वाली स्लाइड करके हम ब्रेक कर लेंगे तो जो हम जो कुछ हमने क्यूसी वन से फाइव तक पढ़ा उसको तो अप्लाई करना ही करना है और मैं हमेशा कहता हूँ कुरान कोर्स ये नहीं कि अच्छा भाई पिछले साल करके पिछले सेमेस्टर में ये करके भूल गए तो अब अगले सेमेस्टर में उसकी जरूरत नहीं है नहीं ये जो क्यूसी वन में पढ़ा था वो आखिर तक चलता रहेगा टू में पढ़ा था आखिर तक चलता रहेगा तो इसको हमने अप्लाई तो करना ही करना है फिर क्यू सिक्स की जो है इसका उसी तरीके से होगा कि हफ्ते में एक क्लास हम करेंगे तकरीबन यही वाला टाइम होगा हमारा जिसमें एक वक्फ नमाज करेंगे हम और एक छोटी सी ब्रेक भी कर लेंगे नमाज के साथ कर लें या अलग कर लें वो डिपेंड करता है टाइमिंग सर्दियों में डिफरेंट हो जाती है गर्मियों में तो भी चलेगा और फिर ये वही वाली बात कि उसको अप्लाई करना उसकी अमली मकसद जो वन से लेकर के फाइव तक हमने पढ़ा है तो मेरा ख्याल हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं नमाज ये आप लोगों पर डिपेंड करता है हाँ नहीं है डाउन है जो अल्फला मंजिल में कराते हैं वो छः से आठ महीने का है क्योंकि पूरी सूरत बकरा आपने करनी है ना और एक एक सफ़ा करके करना है मगर मैं ये कहता हूँ ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना अच्छा पिक कर रहे हैं हम उसी हिसाब से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड कम भी हो सकती है फिर ब्रेक कितनी ले रहे हैं ये भी है कम ब्रेक लेंगे तो हम चलते रहेंगे ये इस तरह मैं बता दूं कि उसी थ्री जो पुराना वाला था वो पूरा एक साल का होता था किसी ने किया हुआ यहाँ पर कोई है बैठा हुआ नहीं उसी थ्री पुराना वाला एक साल का किसी ने नहीं किया है ना इजहार साहब आपकी क्लास में है मेरा ख्याल है उन्होंने किया हुआ है और ये गुलाम हुसैन साहब ने भी किया हुआ था और एक दो और भी लोग हैं नासर साहब नासिर महमूद आलम साहब में इन लोगों ने किया हुआ है वो पूरा एक साल का होता था उसके अंदर सर पूरी सूरतुल बकरा हम शुरू से आखिर तक करते थे तो उसके मुकाबले में तो ये बहुत आसान है क्योंकि पहला बार आप कर चुके हैं ठीक है तो मेरा ख्याल अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं और नमाज पढ़ के फिर आ जाएंगे जिसने वज़ू करना है वजू कर ले और फिर कंटिन्यू कर लेते हैं ज्यादा नहीं रह गई मेरा ख्याल थोड़ी सी स्लाइडें रह गई हैं सुबह नमदिक नाफ़रुका व नई आप देखिए टोटल 48 स्लाइड्स हैं जिसमें से 29 हम कर चुके हैं तो 20 भी नहीं 19 स्लाइडें रह गई हैं इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे